हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में YT स्टूडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम YouTube ने सॉल्व कर दिया, उसके साथ एक न्यू अपडेट भी लाया है। तो बने रहिए वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। एक दो दिन पहले जब हम YT स्टूडियो ओपन करते थे, तो ओपन करने के बाद जब हम नीचे आते तो नीचे में YouTube इशू लिखा के आता था। जब हम उस पर क्लिक करते थे तो क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ जाता। उस ऑप्शन में यह लिखा था कि यह प्रॉब्लम YouTube के तरफ से है, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यह प्रॉब्लम YouTube सॉल्व कर रहा है। यह प्रॉब्लम 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था, कल रात को 8 बजे यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। उसके साथ साथ एक न्यू अपडेट भी YouTube ने YT स्टूडियो में कर दिया है। वह अपडेट यह है कि जब हमें अपना चैनल का पब्लिक वॉच टाइम चेक करना रहता था तो हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ता था। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसमें YT स्टूडियो ओपन करना पड़ता था, उसके बाद हमें डॉलर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद हमारा पब्लिक वॉच टाइम हमारा पता चलता था। बट अब ऐसा नहीं है, YouTube ने न्यू अपडेट ला दिया है कि जब आप YT स्टूडियो ओपन करते हो, ओपन करने के बाद जब हम पहले ओपन करते थे तो वहाँ पे वॉच टाइम मिनट लिख के आता था, अब व्यू उसके बाद सब्सक्राइबर, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप अपना YT स्टूडियो ओपन करोगे, उसके नीचे जहाँ पे वॉच टाइम मिनट था पहले, वहाँ पे अब वॉच टाइम हावर हो चुका है, मतलब आपका पहले मिनट काउंट होता था, अब यहाँ पे ना आपका पब्लिक वॉच टाइम घंटा होगा वहाँ पे काउंट होगा। अब हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ताकि मैं रिप्लाई करके आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।